भाजपा के एजेंट इन जनमंचों को अपने हिसाब से चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनमंच की परिभाषा ही असहज है। उन्होंने कहा कि पेयजल समस्या के 130 मामलों को एक्सियन घुमानी देख रहे थे, जिन्हें मुख्यालय के एक्सियन के अवकाश पर बुलाया गया था। वे भी ऐसी शिकायतों पर क्या कुछ बोलते, लिहाजा अधिकारी महोदय बातों को टालते दिखे। खराब सड़कों को लेकर पदयात्रा करने वाले लोग भी सड़कों की दुर्दशा पर मौन है। अब जबकि जनता इनकी सच्चाई को जान चुकी है, तो अब केवल लोगों को गुमराह करने की बातें हो रही हैं। बिलासपुर NH हमीरपुर शिमला रोड पर भगेर कंट्रोल के पास लगाए गए नाके के दौरान RTO ने कई गाड़ियों की कागजात और परमिट चेक किए। नाके के दौरान निजी बसों को RTO ने बिना परमिट के पकड़ा है। बस चालक मौके पर RTO को जरूरी कागजात भी नहीं दिखा पाया। RTO ने बस को इम्पाउंड कर लिया है। आपको बता दें कि ट्रैफिक रूल्स को लेकर बिलासपुर पुलिस पर RTO विभाग सतर्क हो गया है। प्रतिदिन विभाग अपनी टीम के साथ जिला भर में नाके लगा रहा है, जिसमें हर रोज नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक RTO बिलासपुर ने 70 गाड़ियों के चलान काटकर मौके पर ही 55 गाड़ियों से 80,000 से ज्यादा का जुर्माना वसूला है, जबकि स्पेशल रूट टैक्स को लेकर लगभग 15 से 20 बसों को पकड़ा है तथा उनके खिलाफ कार्रवाई करके 85,000 से ज्यादा का जुर्माना डालकर छोड़ा गया है। RTO बिलासपुर SK पराशर ने बताया कि विभाग ने कई गाड़ियों को जब्त किया था तथा जुर्माना वसूलने पर गाड़ियों को छोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि RTO विभाग की टीम प्रतिदिन नाके पर होती है। इस दौरान अगर कोई भी वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ मौके पर ही सख्त कार्रवाई हो रही है। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूदा कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व विधायक एवं CPS सोहनलाल ठाकुर ने पुलिस व प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। सुंदरनगर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि पिछले कुछ समय में सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में घटित जघन्य अपराधों के सामने आने और उनको दबाने को लेकर मंडी पुलिस व प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में आ गई है। उन्होंने कहा कि सुंदरनगर उपमंडल में अपराध का ग्राफ प्रतिदिन ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में महिला के साथ घटित दुष्कर्म मामले में पीड़ित महिला को 3 दिन थाने के चक्कर लगाने के बाद मामला दर्ज करवाने में सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से जघन्य अपराधों में तुरंत पीड़िता की प्राथमिकी दर्ज नहीं करने से सुंदरनगर पुलिस थाने की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिए गए हैं। सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि दुष्कर्म मामले में शुरुआती दौर में ही पुलिस कार्रवाई को सार्वजनिक करने से जिला मंडी पुलिस के कार्यप्रणाली पर संदेह जाहिर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले कल एक रिटायर्ड HES अधिकारी व वरिष्ठ कानूनी सलाहकार BR कौंडल ने इस मामले की गोपनीयता को लेकर भी मंडी पुलिस पर सवाल उठाए हैं, जिससे प्रतीत होता है कि प्रदेश में पुलिस राजनीतिक दबाव में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि शाइन कैमराज कार्रवाई को सार्वजनिक करने को लेकर मंडी पुलिस जवाब दे। सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि दुष्कर्म मामले में आरोपी भाजपा का सक्रिय सदस्य है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दबाव बनाने और भाजपा के नेताओं के संरक्षण से ही आरोपी पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। उन्होंने कहा कि मामले में आरोपी की सोशल मीडिया पर भाजपा के छोटे से बड़े नेताओं के चित्रों ने राजनीतिक दबाव को सबके सामने ला दिया है। उन्होंने कहा कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी आरोपी खुला घूमता रहा और आज दिन तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती रही और आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने पर कांग्रेस प्रदेश
सरकार व पुलिस के खिलाफ जन आंदोलन का बिगुल बजा देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पुलिस थानों का घेराव व सड़कों पर प्रदर्शन करने से भी परहेज नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि समाज में शांति बनी रहनी चाहिए और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से दूसरों को भी सबक मिलता है। इस अवसर पर कर्म सिंह चौधरी, एडवोकेट चुन्नीलाल अवस्थी, सोम कुमार व हरिनाम ठाकुर भी मौजूद रहे। सुजानपुर डेरा के वार्ड नंबर 2 में बने नाले की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। लोग घरों से निकला कूड़ा और स्थानीय दुकानदार कूड़ा फेंक रहे हैं, जिसके कारण वार्ड नंबर 2 के बने घरों से निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। लोगों को गंदगी के कारण रुमाल रखकर उस गली से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए नगर परिषद ने सफाई अभियान पूरे शहर में चलाकर रखा है, लेकिन वार्ड नंबर 2 के बने नाले के पास सफाई अभियान दम तोड़ती नजर आ रही है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि नगर परिषद मात्र चेतावनी देकर छोड़ देते हैं, लेकिन नगर परिषद ने वार्ड नंबर 2 में कई सफाई अभियान चलाकर लोगों को समझाकर भी असर नहीं देखने को मिल रहा है।